চলছে, প্রথম রাউন্ড কমপ্লিট হলো, দ্বিতীয় রাউন্ড এবার শুরু হচ্ছে, মক ড্রিল চলছে, চালু হবে, এখানে প্রস্তুতি চলছে মক ড্রিলের। বসিরহাট কলেজের ছেলেগুলো মক ড্রিল করবে, বসিরহাট কলেজের কুলদমে প্রস্তুতি চলছে মাঠে। আশা করি সবাই বাড়ি বসে আপনারাও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করেছেন বা আপনাদের এলাকায় পতাকা উত্তোলন করেছেন। মাঠে প্রচুর লোকজন এসছে, তারাও সবাই উপভোগ করছে, আনন্দ করছে, প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছে। আপনারা আবার ওই স্কুলের মতন যেন ভুলে যাবেন না, এটা যে জন্মদিন ভুলে গেছিল একটা স্কুলে, আপনারাও যেন ভুলবেন না 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন। लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में घुस आते हैं, उनके निशाने पर है उरी शहर का एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन। की यूनिट ने उन चारों फिदायिनों को मार गिराया था। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम बॉडी बैग्स और कॉफिन्स को हेक्टर्स में रख रहे थे और साथ ही ये पता लगा रहे थे कि कितनी जाने गई है। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety. एक जवान भी मरता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और उस दिन तो हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे। हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था, हम अपने बहादुर जवानों के बलिदान को व्यर्थ कैसे जाने देते। दुश्मन ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया था, अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम उन्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। उरी हमले के तार पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए। Yeah.
ये लॉन्च पैड्स लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के बिल्कुल पास होते हैं, जो भारत और POK को अलग करती है। उरी हमले के बाद चुप नहीं रहा जा सकता था। भारत सरकार ने LOC के पास जाकर इन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया। जल्द ही सारे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। हमारे पास कई ऑप्शंस थे, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक और पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी था कि अगर तुम हमारी तरफ आकर हम पर हमला कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन हमला करने से पहले उन्हें उन पर नजर रखनी होगी, फिर प्लानिंग करनी होगी। उनका काम था दुश्मन पर करीब से नजर रखना और जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इस रिकॉन मिशन के तीन उद्देश्य थे। पहला, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना। दूसरा, टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। और तीसरा, एक सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। हर स्पेशलिस्ट स्क्वाड को अटैक पोजीशन बता दी गई। हर एक के पास घातक हथियार थे। स्नाइपर्स का लक्ष्य उन पहरेदारों और दुश्मन लड़ाकों को मार गिराना जो जवाबी हमला करने की पोजीशंस में है। क्लोज क्वार्टर असॉल्ट टीम का लक्ष्य है बिल्कुल करीब पहुंचकर अपनी असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना। मकसद, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। प्लान बहुत ही सिंपल था, पूरी तैयारी से हमला करना। सितंबर सुबह 6 बजे हो गया, लेकिन मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ। आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट हरकत में आ चुकी थी और उन्होंने स्ट्राइक टीम की दिशा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। यह इशारा था कि एग्जिट प्लान को हरकत में लाने का वक्त आ गया था। स्ट्राइक फोर्सेस को जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। गोलियों की बौछार और मोर्टार के धमाकों के बीच के वक्त का सही इस्तेमाल करके वहां से निकलने में कामयाब रहे। के छोटे छोटे इंटरवल्स पर अपनी पूरी टीम को बाहर निकाला। हमला
ये मैसेज भेजा कि मेरी पूरी टीम सुरक्षित अपनी जमीन पर वापस आ चुकी है। कल रात भारतीय सेना ने दुश्मन के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जाए और इनके द्वारा भारत में किए जाने वाले हमले बंद हो और हमारे देशवासी बिना किसी खतरे और डर के अपना सामान्य जीवन जी सके। আমাদের বেঙ্গল টাইগার, আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আমাদের বসিরহাটের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আমাদের বসিরহাটের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলে কথা। ওই তো ও একদম ও দেশভক্তি দেখিয়ে দিল আজকে। বাহ, মজা নিচ্ছে। হ্যাঁ, কুকুরটা তো ভালোই করলেই যাবো তোর। এটা আমাদের বসিরহাটের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এই কথাটা কেড়ে দিতে হবে। চাকরি চলে এ জঙ্গিগুলো মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন কমপ্লিট হলো। এখন পুরস্কার বিতরণই হবে, কারা ফার্স্ট হয়েছে কারা সেকেন্ড হয়েছে সেগুলো দেবে। লোকজন দেখতে যাচ্ছে, সবাই আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে যাচ্ছে, এবার আমরাও বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমরা